हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और आज के शुभ अवसर पर मेरी अर्धांगिनी, मेरी सोलमेट, मेरे हम जा रहे हैं कैसार। बहुत टाइम से इच्छा थी हमारी कहीं जाने की, है ना? तो आज हम जा रहे हैं, इट्स ओनली मी एंड हर। तो यहाँ तक, मतलब अभी शुरू किया हमने ट्रैक, और ट्रैक शुरू करने से पहले ही मेरी हमारी डे हो चुकी है। तेरी होगी? नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ। ओह माय गॉड, ऊपर से गाइस गोइज बोलना मुझे तो काम हुआ है मुझे मुझे कोल्ड हुआ है गाइस, मुझे खांसी भी है। पर दीदी अगर एक बात करने की ठान लेती है तो दीदी को कुछ कोई रोक नहीं सकता है। तो चलो चलते हैं गाइस। दर ये रास्ता, ओह माय गॉड, मैं पता नहीं कब गई थी यार, 18 की 19 में गई थी मैं। उसके बाद दीदी का फर्स्ट टाइम गाइस, और हमने मंदिर दिख गया मुझे। और वहाँ पे रहने, आज हमने वहीं पे स्टे करना है। और वो रेस्ट हाउस होता है, जब हम गए थे उस टाइम वहाँ पे सिर्फ रेस्ट हाउस हुआ करता था गाइस, पर अब लोगों ने वहाँ पे टेंट्स भी लगा दिए। तो हम रहेंगे आज टेंट में, जिसकी बुकिंग हो चुकी है बुकिंग हो चुकी है। तो लेट्स गो। सो उठते ही मुझे उनका कॉल आ गया था, मैं हुआ दिन की शुरुआत हो तो ऐसी, पर बाद में बिल्कुल बहुत भी अच्छी शुरुआत नहीं मेरी। यहाँ पे मंदिर, लेट्स गो। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मंदिर, सुंदर मंदिर, सुंदर दीदी, सुंदर नजारा, अच्छा लग रहा है। यहाँ से आगे हुए ट्रैक शुरू, असली ट्रैक। चल, कौन सा मंदिर है? यहाँ से होता है हमारा ट्रैक शुरू। मैं और मिथुन दीदी एक गलत रास्ते में चले गए थे, पीछे से एक अंकल दौड़ते दौड़ते हमारे को रास्ता बताने हैं। सो स्वीट, लेट्स गो। वेलकम टू, वेलकम नहीं यार, कैसा रिकॉर्ड है, मैं बोल रही हूँ वेलकम टू गाइस द, लेट्स गो। हम निकल पड़े हैं फाइनली, और टाइम बता तो 1:53, मतलब कि 2 बज रहे हैं। तो हमने किया है अपना ट्रैक 2 बजे शुरू, देखते हैं अब हम कितने बजे पहुंचते हैं। बीच बीच में बताते रहेंगे गाइस आप लोगों को। और जब मैं लास्ट टाइम आई थी यहाँ पे ग्रीन टैक्स वगैरह कुछ नहीं होता था, मतलब सीधे जाओ आओ, कोई कुछ पूछता नहीं था। पर अभी हमने ये जो गेट क्रॉस किया तो उसके बाद इन्होंने हमसे ग्रीन टैक्स मांगा है, जो कि पहले नहीं होता था। 50 रुपीज़ इलेक्ट्रिकल गाड़ी का भी तो बता, जिसको 50 रुपीज़ ईच था ना, 50 रुपीज़ ईच पर पर्सन मतलब, और हम दो थे तो हमें 100 रुपये लगे। और पहले कोई गाड़ी गुड़ी भी नहीं जाती थी इधर को, अब तो बाइक वाइक भी चल जाते हैं। और एक इलेक्ट्रिकल गाड़ी भी लगाई इन लोगों ने, जो कि 300 रुपये में आना जाना कर देती है। शायद सेम डे पर ही होता होगा ये, क्योंकि हाँ तो रुकेगी थी ना, रुकेगी तो नहीं वहाँ पे। तो गाड़ी पे तो नहीं जाना है, क्योंकि हमें ये व्यू को एंजॉय करते करते जाना है, और दीदी के साथ वो अंधेरी हो गई तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते जाना है। चुप हो जा
कुछ बातें बताई नहीं जाती है डियर। लेट्स गो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं, पहुंचे कहाँ हैं पता नहीं, यहाँ पहुंचे हम लोग और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, पानी आ रहा है, हैं जायरू जाय व्हाटएवर इट इज, जायरू तो नहीं, पाइप जैसी लग रही है, तो पाइप का पानी ऊपर से आ रहा है ना, तो पाइप तो यहीं से लगाया हुआ है, थकान जैसे तो नहीं दिए है ना, पानी पीना भी चाहती हूँ, नहीं भी पीना चाहती हूँ, तुमने वाटर सारे पी लिया, थोड़ा कितना सुंदर है सामने, जितना सुंदर है उतना सुंदर फोन में नहीं दिख पा रहा है, जस्ट नहीं हो पा रही चीजें, इसी खूबसूरती वो नहीं हो पा रही फोन में। दीदी अपने आप को हील करने की कोशिश कर रही है। नहीं मेरा चश्मा गिरा है ना, नहीं हो पाएगा दीदी, रहने दो, पेट की बस बात नहीं, किसी की बस की बात नहीं है। सुंदर सुंदर वो हसीना बड़ी सुंदर, भूख सी लग पा रही है, बांधू मैं आपके लिए तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस रास्ते में, यहाँ पे रेस्ट करने के लिए बनाया है इन्होंने इस टाइप का शेड, बहुत थक चुके हैं हम, यहाँ पे घर भी है, दिख रहे दिख नहीं रहा यार, रुक जा आगे ओके दिखाती हूँ, ये देखो गाइस कितना सुंदर, यहाँ पे और भी घर है, सो प्रीटी, दीदी फोटोज लेके तक नहीं रही है, देखा बोला था ना क्या, भूख भी लग पा रही है गाइस, कुछ खाने को भी लेके नहीं आया, शांति देखो यार कितनी शांति है, हम पहुंच चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है कि हम आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं, क्योंकि चलते चलते हमें काफी टाइम हो चुका है, चीन से चलते गाड़ी तीन बज गए ना, तीन है ना, तो नहीं यार तीन बज गए मतलब, और हम वहां से 2 बजे चले थे, 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट क्या, 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से ज्यादा हो गया है गाइस, अभी तक बहुत बहुत मजा है, बस भूख लग पा रही है और बहुत ज्यादा, कुछ खाने के लिए नहीं है इधर और रास्ते में भी कुछ नहीं है, कुछ खाने के लिए मैं बस जैसा करना पड़ेगा, कोई जानवर पकड़ना पड़ेगा, ओहो गाइस कैसे प्योर वेजिटेरियन मैं भूल जाती हूं, बहुत गलती से हो जाता है, दीदी कभी कभी भूल जाती है कि वो वेज है, तेरे वेज होने पे बहुत सवाल उठे हैं भाई, तभी तो मैं जब वो कर रही हूँ क्लेरिफाई की, एंड मैं वेजिटेरियन हूँ, बेचारी मेरी दोस्त ने बहुत चुन चुन की कमेंट पे रिप्लाई किया था, इसलिए मैं आज खुद से बता रही हूँ कि मैं वेजिटेरियन हूँ, आज का वो प्री प्लान नहीं था गाइस, वो बाय चांस हो चुका था, मेरे को खुद से ही हो गया था, मेरे को कौन सी खुशी मिलेगी तेरे को नॉनवेज खिला के, सच्ची उसकी उसकी गलती नहीं है इसमें, वो तो दिल से बुरा लगता है, कैसी अच्छी सी सनलाइट आ रही है, वही तो आदत तो पता नहीं चला, क्या बात किया हमने, उसकी बच्चे से माँ से अलग कर दिया भाई तूने, किच 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 किच
पीछे आ गया ऊपर सीन वाला ओके बाय। क्या नाम रखा आपने इसका? बाय। नाम नहीं रखा है। आये मजा बहुत बड़ी छत मेरे छोटे मैं मुंह पके नहीं। तो दोस्तों हम हमें ऐसा लगता है कि हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। उम्मीद की किरण से आ पा रही हमें। थकान तो नहीं हो रही है ना, पर भूख लग रही है। भूख लगी। मस्त चाय पीना चाहूँगी मैं, ये भी खाना चाहूँगी मैं भी, जो दे दे वो खाना चाहूँगी। ओह माय गॉड, मैं तो ले सुशांति कार को देखिए कितना अच्छा लग रहा है। उधर वाले गांव से चल के आए ना हम लोग पैदल। ये गांव था ना उधर, था कि नहीं था रास्ते में? कौन सा गांव दीदी? वो देखिए चश्मे लगा उधर गांव एक जो बीच में एक वो दिख रहा था, पता नहीं यार। इतना चलना बहुत ठीक है कि नहीं है? मैं तो रिकमेंड करूंगी सबको आना चाहिए, जिसकी जिंदगी में शांति चाहिए, शांति के लिए तो जरूर है। खाने की चीज देख के बेकाबू हो चुकी है। डिग्री काल में क्रीम रोल खाऊंगी मैं तो सबसे पहले, और ये चीज भी खाऊंगी। क्या है ये जो भी चाय पीनी है? मैगी बनेगी? हाँ हाँ मैगी और चाय खिला दो प्लीज। तब तक क्रीम रोल दे दो मेरे को खाने को, खुद दिखा लूँ। थैंक यू अंकल, कितने अच्छे हैं आप। सनसेट हो चुका है गाइस और हम पहुंच चुके हैं। वो दीदी से रहा नहीं जा रहा है, देखो तो। बैग रखना चाहूंगी मैं। पहले हम करेंगे पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा, उसके बाद दिखाएंगे आपको बाहर के नज़ारे। या वैसे है कुछ नहीं यहाँ को देखने के लिए, पर शांति शांति ओनली शांति आगे है थोड़ा सा। शांति नहीं, शांति बहुत। हाँ मतलब तो पहले हम खाते हैं खाना, उसके खाना क्या मैगी खा रहे हैं। डिनर करेंगे कुछ अच्छा सा, या चाय भी पियेंगे। अंकल चाय भी बनाना। खाना आ चुका है गाइस। तो दोस्तों हमने खा लिया है जो जो खाना था हमने। अब हम टहल रहे हैं। ओह माय गॉड, सच ब्यूटी, कितना सुंदर लग रहा है यार, कितना सुंदर। हाउ कैन समवन बी दिस ब्यूटीफुल? हाउ? ब्यूटी को कैप्चर कर रहे हैं दीदी। डेंस फॉरेस्ट, अभी हम जा रहे हैं आगे को देखने। कुछ नहीं होता वैसे। वेलकम टू यू। ये वाला नहीं होता था जब मैं आई थी, सिर्फ ये वाला ही होता था। बहुत सारी चेंजेस आ गई है ज़िंदगी में। एक मैं ही वैसी की वैसी रह गई हूँ, ये भी नहीं होता था। पहले जैसी अब है?
पहले जैसी होना चाहती हूँ मैं। अच्छा ये निकाह होगा ना। गरीब तू देखते हैं आगे क्या, कुछ नहीं है, किस दीदी को दिखाना है आगे क्या, और आगे कुछ है नहीं। यार मेरी यादें ताज़ा हो रही है। ये कैसा येलो और अच्छे इनका थोड़ा स्ट्रॉन्ग कलर होता है ऐसा, बहुत ऐसा वो लग रहा था जैसा वो नहीं था आपकी कार्टून में ऐसे ऐसे इनका था से लग रहा है। इस रूम में रहे थे हम लोग। ओके या और हमने यहाँ पे बॉन फायर किया था रात को। ये बस किचन है। हाँ किचन था, किचन है। दिस इज द ग्राउंड एरिया डियर। ओहो यहाँ पे हम खेलेंगे वो। दीदी के खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कुत्ता है वो, अंकल भी तो है। दोस्तों रात का वक्त हो चुका है और अंकल ने लाइट बंद कर दी है और हम यहाँ जाड़ों की तरह बैठे। यू नो व्हाट इज जाड़े गाइस। थोड़ी देर हम बैठेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम सो जाएंगे क्योंकि अभी करने को कुछ है नहीं। डर भी लग रहा है ना? नहीं मैं तो नहीं डरती गाइस, मैं राजपूत गाइस। चुप हो जा, मुझे लग रहा है हम दूसरों को डराते हैं, हम नहीं डरते। डर क्या होता है। तो अब मिलते हैं सीधा सुबह ही। गुड नाइट गाइस, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। तो दोस्तों हो चुकी है सुबह और हम जा रहे हैं सनराइज देखने। तो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग। ओ बाहर जाके दिखाते हैं आप गाइस। सनराइज देखने की इच्छा थी मेरी, पर पिछले कल हमने एक अंकल थे वहाँ पे, उनको पूछा था कि सनराइज कितने बजे होता है। उनको पता नहीं क्यों, उन्होंने पता नहीं क्यों बोला हमारे को कि 8 बजे होता है बोला था उन्होंने। और हमने देखा इतना दिमाग में नहीं लगाया, 8 बजे तो नीचे ही निकल जाती है धूप। मैंने तो बोले थे कि 5 बजे जल्दी निकलती है धूप, उन्होंने बोला 8 बजे निकलती है, हाइट में जल्दी निकलती धूप मैंने बोला था। पर चलो कोई बात नहीं, सनराइज तो हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं ऊपर को। कुछ है यहाँ से देखने को, कुछ अच्छे नज़ारे ट्रैक के बाद। वो तो 1 किलोमीटर नहीं, 1 घंटे 1 घंटे के ट्रैक के बाद। ओह माय गॉड, और रास्ता हमें मालूम नहीं है, ये रास्ते बने हुए हैं, इन रास्ते रास्ते में जा रहे हैं। आई होप हम लोग सही रास्ते में जा रहे हैं क्योंकि पता नहीं कितने साल पहले आई थी मैं इधर, आई थिंक 6 की 5 साल पहले, याद नहीं मुझे। और हम ऐसे कुछ देखने के लिए नहीं गए थे, वही चले गए थे। वो तो हमें आगे कुछ अच्छा नज़ारा देखने को मिल गया, अभी चलते हैं देखते हैं। हाँ मतलब ऐसे ही वहाँ पे एक बड़ा सा पीक होगा, उसके नीचे ऐसे छोटे छोटे पीक दिखेंगे। It was really beautiful. ऐसा लग पा रहा है कि आधा ट्रैक हो चुका है, आधा क्या मेरे को लग रहा है आधे से ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि जब हम पिछली बार आए थे तो ये वाली पहाड़ी से गए थे हम ऊपर को। और अंकल ने हमें बोला था कि हमें गद्दी मिलेंगे, पर हमें गद्दी कोई नहीं मिला, कोई काला कुत्ता भी नहीं मिला हमें। दीदी थक चुके ट्रैक कर करके।
अंकल ने बोला हमें डंडा उठा देना, इससे बड़ा डंडा हमें मिला नहीं। वही तो जानवर भी सोचेगा क्या करूं मैं सोचने का। इसको हम मिलते हैं सीधा ऊपर ही, मतलब डेस्टिनेशन पे अपने। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं एकदम हाइट पे, और ये याद आ पा रहा है मुझे पिछली बार का, और ये छोटी छोटी पीक्स। अब हम यहाँ से जाएंगे आगे को और अच्छे व्यू के लिए, देखते हैं और अच्छा तो क्या, मतलब यही मिलेगा, पर ये बीच में ये पेड़ पेड़ से नज़र नहीं आएंगे ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि पिछले बार का थोड़ा बहुत याद आ पा रहा है मुझे। और मैं अपना फ़ोन तो नीचे छोड़ के आई हूँ, दीदी के फ़ोन से रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि आई डोंट नीड माई फ़ोन, आई डोंट वॉन्ट माई फ़ोन। लेट्स गो। अभी भेडू मिले हमें, भेडू कूता भी था, कूता। अब ज्यादा टाइम ना यहीं से उतर जाएंगे। आगे जाके दिखाते हैं गाइस। सही कहाँ? वही तो, पर भी तो अच्छा लग रहा है। एक महीने के लिए घूम हो जाते ना, इधर एक टेंट लगाते इधर ही बैठे रहते एक महीने के लिए। मैं तो नया ट्रैक बताया तुझे, वहाँ चलना है तो दीदी बात करो, क्या बोलते हो? ओनली यू एंड मी। यार मास्टर्स के बाद ऐसे हम दोनों अकेले, फिर आज ही आए ना, लाइक द ओल्ड टाइम्स। आई मिस ओल्ड टाइम। Yeah, I am still young, wild and crazy. If you know me, हम पहुंच चुके हैं जहां हमने जाना था, जहां हमने पहुंचना था। यार नीचे पेड़ के पत्ते हैं ना, पीले पीले अजीब से दिखाई दे रहे। तो ये है छोटे छोटे पीक्स, कितने सुंदर। बहुत धूप लग रही है, पर उस वाली पीक में जाके तो और ज़्यादा अच्छा दिखता, पर हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ से भी यही दिखेगा। कोई बात नहीं, कितना सुंदर। अब हम जाएंगे थोड़ी देर में नीचे को, और बस अब बीच रास्ते में कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नीचे जाके ही बता देंगे आप लोगों को कि हम नीचे पहुंच चुके हैं। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना भाई। लेट्स गो नहीं, मानो नीचे जाके ही मिलते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे हम यहाँ पे, मिलते हैं। चुप हुई आवाज तो रिकॉर्ड होने लगी। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नीचे, और जगह दे थोड़ी सी, बोलो मिल रहे। तो बड़ी नॉटी है हमारे में तुम। तो अभी हमने मुंह माथ धो लिया है, नीचे जाके ही नहाएंगे अब हम। और नीचे को जाने के लिए हमें एक लिफ्ट भी मिल गई गाइस, बड़ा मज़ा आ गया। लिफ्ट मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी मिल गई गाइस हमें, हम इससे जाएंगे।
गाइस मैं भी दीदी के साथ रह के कुछ कुछ करूंगी आज। कुछ मैं भी करूंगी ये सब। अच्छा निकलने रहा कुछ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं गाइज। इट्स अ ड्राई आलू का पराठा, चाय। दीदी नहीं खा रही है ब्रेकफास्ट क्योंकि दीदी को नहीं खाना है, तो खाते हैं ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे है हमारी गाड़ी, तो जल्दी जल्दी जाते हैं और जल्दी जल्दी खाते हैं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं नीचे को इलेक्ट्रिकल गाड़ी में। वही तो गाय थी यार। बाय। क्या बोला? तो हम पहुंच चुके हैं पीज बड़ी आसानी से। मजा आ गया। और हमारे साथ चला है ये डोगो। तो अभी दीदी को पीच के ग्राउंड में भी जाना है। जाना है तो चलते हैं पीच ग्राउंड। लेट अस गो। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पीच और इस कुत्ते ने हमारा साथ बहुत दिया है। जिंदगी में ऐसा साथ चाहती हूँ। हेलो कर, हेलो कर, हेलो नहीं आता आपको? हेलो करना नहीं आता आपको? इसकी फोटो ले यार। मस्त भाई भाई लग रहे हम दोनों, है ना? हाय भाई। जूता बढ़िया यार, मैं जूता लेने की जरूरत होगी जिंदगी में। कब से जूता लेने सोच रही हूँ। वीडियो बना रही हूँ मैं। यार ये तो मजा आ रहा है इसको। यार ये इसको अच्छा नहीं लगता भाई। बस देख अपनी खालिश रोक के बैठा था तेरे प्यार के लिए। आ रही हूँ मैं। तो दोस्तों इसके बाद हमें जाना है कुल्लू, तो वहाँ का क्या वीडियो बनाना? वहाँ का कोई वीडियो नहीं बनाना मैंने, तो मैं अपनी वीडियो ही एंड करना चाहूँगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और दीदी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज़। शेयर बताया यार पहली बार कैसा आई है। आपका पहली बार कैसा रहा कैसदार? बहुत अच्छा, बहुत बहुत मज़ेदार। वहाँ के रास्ते इतने अच्छे थे, बीच में रोड और इधर उधर पेड़, वाह क्या तो मज़ा आ गया। वो बहुत अच्छा था। और उसके बाद वैसे रास्ता ज़्यादा अच्छा था ना ऊपर पहुँचे तो, व्यू वाह। ऊपर पहुँचे पहुँचे थोड़ा शाम हो गया था हमारे को, पर फिर भी ठीक था। टाइम टाइम से पहुँच गए थे, थोड़ी देर घूमे इधर उधर, ये वो, ठंडी ठंडी हवा, हाँ क्या तो मज़ेदार था। अच्छा था सब। रात को बॉन फायर किया। और सबसे अच्छी बात थी कि हम दोनों अकेले थे। अच्छा था। फिर उसके बाद सुबह हम छोटे से ट्रैक पे और चले गए, वहाँ पे व्यू और भी अच्छा था। अच्छा था, मज़ेदार था यार, बहुत अच्छा था। मेरे को तो बहुत अच्छा था। शांति मिल गई जिंदगी में। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करना चाहूँगी। आई होप जितना मज़ा हमें ये ट्रैक करके आए हैं आपको भी ये वीडियो देखे उतना ही मज़ा आया होगा। और अगर आए तो इस वीडियो को ज़रूर कमेंट शेयर लाइक करें। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। शबा खैर।
तुझे पता लग गया अब। बाय डॉगो बोई।